हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सार स्टडी चैनल में। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, अभी हम लोग 10th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो 10th के फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यानी कि ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो हम लोग पिछले क्लासेस में बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया, अभी तक हमने स्पेक्ट्रम वगैरह सब चीज पढ़ लिया है। तो देखिए, आज हम लोग का लास्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक हमारा है प्रकाश का परिकीर्णन, यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइट हम लोग आज पढ़ने वाले। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि डाइवर्सिटी होता क्या है। तो प्रकीर्णन कहने का अर्थ है कि जो प्रकाश पास कर जाए, जो प्रकाश पास कर जाए, यानी कि वो किसी भी लेयर के अंदर से, वो एक लेयर, सपोज डैट मान लीजिए कि ये सूर्य है, तो ये सूर्य क्या करती है, यहाँ से एक लाइट देती है जो इस ड्रेस से क्रॉस करके, इस लेयर को क्रॉस करके आ जाती है, वो लाइट हमारी प्रकीर्णन कहलाती है, यानी कि वो क्रॉस करके आ जाता है। मेनली यही समझिए कि वो एक लेयर को पार करके आ रही है, तो वो हमारी प्रकीर्णन कहलाती है। तो देखिए, अब समझिए अब क्या कहता है कि हमारी चारों ओर की वस्तुओं के बीच हमें प्रकृति में अनेक आश्चर्यजनक परिघटनाएं देखने को मिलती है, जैसे आकाश का नीला रंग, समुद्र में जल का रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रफ्तार दिखना। अब कहता है कि देखिए, जो प्रकीर्णन होती है वो किस किस तरह से इफेक्ट पहुंचाती है, हम लोग देखते हैं हर दिन। तो सबसे पहला तो कहता है, एक तो आकाश का रंग नीला होता है, ठीक, समुद्र में जल का रंग भी नीला होता है, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है कि रक्त जो सूर्य होता है उसका रंग लाल होता है, रक्ताभ होता है, तो हल्का हल्का लाल टाइप में हमें ऑरेंज जैसा दिखता है। तो वही कह रहा है कि ये क्यों होता है, ये चीजें हम लोग अभी जानने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग अभी टिंडल प्रभाव जानेंगे। टिंडल प्रभाव जानने के बाद हम लोग को ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब क्या कहता है, पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण नहीं है, विषमांगी मिश्रण है। तो विषमांगी मिश्रण क्या कहता है, जो प्रॉपरली मिक्स्ड नहीं हो। तो वही कह रहा है कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो एक सूक्ष्म कणों का, सूक्ष्म कण यानी कि जिसे हम नग्न आंखों से तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा जो कण होता है वो हमारा क्या होता है, सूक्ष्म कण होता है। तो वो सूक्ष्म कण जो होता है विषमांगी मिश्रण है, जो प्रॉपरली मिक्स नहीं है, ठीक। इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदे, जल के धूल के कण तथा वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। और इसमें क्या क्या होता है, एक तो धुआं होता है, जो पॉल्यूशन हम लोग जानते हैं कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, धुआं। फिर जल की सूक्ष्म बूंदे, जो बारिश के समय जो एकदम छोटे 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 जो बूंदे गिरती है वो जल की सूक्ष्म बूंदे हो गई, धूल के कण होता है, और तथा वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। वायु के अणु जैसे कि O2, N2, H2, ये क्या हुए, अणु हुए। तो ये सभी क्या होते हैं, उसमें मिले होते हैं, ठीक। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है, इन कणों से विस्तृत प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है। देखिए, कह रहा कि जैसे हम लोग के घर में खिड़की होता है, तो खिड़की में से एक होल हो तो उसमें से क्या होता है, सनलाइट जब अंदर आता है तो हम लोग देखते हैं कि उस सनलाइट जो अंदर आ रहा है उसमें हम लोग को रेज दिखता है, बहुत सारे कण दिखते हैं। तो वो जो कण दिखते हैं हमें, तो उस कण के द्वारा होकर क्या होती है, सूर्य की जो भी प्रकाश होती है वो हम तक पहुंचती है। तो वही कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है, इस तरह के महीन कणों से टकरा के आता है, अंदर टकराता है, तो किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। जब ऐसे, तो उसका जो किरण होता है वो क्या होता है, एक वे में होता है, तो उसको वो दिखाई देने लगता है। इन कणों से विस्तृत प्रकाश प्रवृत्तिक होकर हमारे पास तक पहुंचता है, और इससे ये इससे विस्तृत होकर इससे इसकी सहायता से क्या होता है, ये आता है और उसके बाद हम तक यह पहुंचता है। फिर कहता है, किसी घने जंगल में वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। अब देखिए, वितान यानी कैनोपी, कैनोपी कहने का क्या अर्थ है, वितान कहने का अर्थ है कि जंगल, घने जंगल में कहीं कहीं हल्का सा सूर्य का लाइट अंदर आता है, यानी कि जमीन, जंगल के जमीन, धरती जमीन तक पहुंचता है जंग लाइट। तो वही कह रहा है कि वो वितान हमारा कहलाता है। तो जंगल के किसी घने जंगल में वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो वो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है, उस समय टिंडल प्रभाव को हम लोग देख सकते हैं। तो कैसे देख सकते हैं, देखिए, जंगल में कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदे प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती है। तो जंगल में जो यदि कुहासा होता है, यानी कि जो फॉग होता है, वो क्या करता है, सूर्य की प्रकाश को प्रकीर्णित कर देती है, यानी प्रकीर्णन कर दी है, अंदर आने मदद करनी है। प्रकीर्णित प्रकाश को वर्ण प्रकीर्णित परिकर्ण करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। अब कह रहा है
कि प्रकीर्णित प्रकाश, यानी कि जो प्रकाश अंदर आया है वो क्या होता है, उसका जो वर्ण होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं श्वेत प्रकाश का 7 वर्ण होता है, तो उसी तरह प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णित करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। अब उसका जो वर्ण है वो कैसा होगा, कितने भागों में बटेगा, ये उसके कण के साइज पर निर्भर करता है। अब देखिए क्या कहता है, अत्यंत सूक्ष्म कण का मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। तो जो अत्यंत सूक्ष्म होता है, जो बहुत ज्यादा छोटा होता है, वो कैसा प्रकाश को प्रकीर्णित करता है, वो ब्लू को अंदर आने देता है, यानी नीला कलर को वो प्रकीर्णित करता है। ठीक, फिर कहता है जबकि बड़े साइज के कण अत्यधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। जब कह रहा है कि अगर वो बड़ा होगा, जैसे अगर वो कण बड़ा होता है तब क्या करता है कि जिस लाइट का फ्रीक्वेंसी अधिक होता है उसको प्रकीर्णित करने लगता है, जैसे लाल, बैगनी, ये सब का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। तो लाल का तो फ्रीक्वेंसी लगभग 1.8 गुना अधिक होता है किससे, नीला से। तो कह रहा है कि इस तरह की प्रकाश से क्या करने लगती है, वो प्रकीर्णित करने लगती है। फिर कहता है यदि प्रकीर्णित करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक हो तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीक होता है। अगर कहता है कि अगर मान लीजिए कि कण का साइज बहुत बड़ा बड़ा है तब क्या होता है, तब उस समय जो प्रकाश आती है वो श्वेत होता है। और श्वेत कहने का मतलब हम लोग जानते हैं कि श्वेत में 7 वर्ण होते हैं और 7 वर्ण मिलके श्वेत रंग का श्वेत का निर्माण करते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि श्वेत जब बनता है तो इसका मतलब है कि सभी के सभी किरणें प्रकीर्ण वर्ण आ रहे हैं वायुमंडल में। और अगर सूक्ष्म होंगे तो जिनका फ्रीक्वेंसी अधिक होगा वो जो वर्ण होंगे वो अंदर नहीं आ सकते हैं। तो इसको आइए एक एग्जांपल के थ्रू, एक प्रैक्टिकल फिगर के थ्रू आइए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए होता क्या है, एक्चुअल में इसको ऐसे समझा जा सकता है। मान लीजिए कि ये हमारा वायुमंडल है, ठीक, ये क्या हो रही है कि वी और आर है, ठीक, ये आया अंदर। तो इससे क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं। तो जब इसमें छोटे छोटे कण है ना, तो ये क्या है कि ये आता है, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया और ये आया। ये जब आया इसके अंदर तो ये क्या करता है कि इसमें से जो भी है ना कण, वो बहुत ज्यादा छोटा 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 होने के कारण ये इसको बाकी जो जिनका फ्रिक्वेंसी अधिक होता है उनको रिटर्न कर देता है, इस तरह वापस कर देता है, ठीक। और जिनका फ्रीक्वेंसी कम होता है, जो बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, जैसे कि नीला, ब्लू, तो इस ब्लू को ये नीचे आने देता है, ये हमारा ब्लू कलर होता है। तो इस कारण से क्या होता है, जिस जब कण का साइज बहुत ज्यादा महीन होता है यानी सूक्ष्म होता है, तब हमारा बहुत सारा ऐसा लाइट जिनका फ्रीक्वेंसी अधिक होता है वो वापस चले जाते हैं, और अगर साइज बड़ा होगा तब क्या होगा, वो लाइट आसानी से नीचे चले आएंगे। तो इसी कारण से जब आता है श्वेत प्रकाश आता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, ये बड़े कणों से होकर गुजर रहे हैं, इसीलिए यह हमें दिख रहा है श्वेत। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो अब अगले में हम लोग देखेंगे, अभी तो हम लोग जान गए, अब अगले में हम लोग देखेंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। उसके बाद फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है वो हमारा जो सूर्य है वो लाल रक्ताल क्यों दिखता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग जान रहे थे स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, कह रहे थे अभी हम लोग बताए थे कि टिंडल प्रभाव से क्या क्या होता है। फिर अब हम लोग जानेंगे कि स्वच्छ आकाश यानी कि हमारा जो आकाश होता है उसका रंग नीला क्यों होता है, वो हमें आकाश जो है नीला क्यों दिखाई देता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आप लोग को जानने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक बार देखते हैं, पहले सबसे पहले वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। देखिए सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश कहने का क्या है, जो दिखता है हम लोग को वो दृश्य, वो प्रकाश है। तो सूक्ष्म कण जो है वो क्या करता है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। यानी कहने का अर्थ है कि जो कण होता है वो क्या करता है, जो प्रकाश होता है उस जिनका फ्रीक्वेंसी कम होता है या फिर अधिक होता है उनको ऊपर से नीचे तक लाने में, वो पास करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, ये अब हम लोग देखते हैं। सबसे अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि किस तरह से प्रकाश बड़ा कण रहेगा तो पास करेगा तो क्या होगा, और छोटा कण जो सूक्ष्म कण रहेगा वो उसके रहने पास करने से क्या होगा। तो अब देखिए अब कह रहा है लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी है। मैं भी बताया था कि जो रेड कलर का फ्रीक्वेंसी होता है 1.8 गुना होता है किसका, नीला ब्लू कलर का फ्रीक्वेंसी का।
तो कह रहा है कि रंग का अत्यधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं, अब प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। अब देखिए ये क्या होता है, स्वच्छ आकाश है ठीक, तो स्वच्छ आकाश है तो उसमें सूक्ष्म कण होता है, तो वहां से जब ऊपर से लाइट नीचे आएगा एनवायरमेंट में आएगा, ओजोन लेयर को क्रॉस करके जैसे ही नीचे आएगा, तो नीचे आने पे क्या होगा, यहाँ पे सूक्ष्म कण होता है, तो ये सूक्ष्म कण क्या करेगा, जिनका फ्रीक्वेंसी अधिक होगा, सॉरी नीचे नहीं ऊपर में ही, तो ऊपर में सूक्ष्म कण है, नीचे ना धूल कण है ज्यादा, वो ओजोन लेयर के ऊपर तो नहीं है, तो उस समय क्या होगा कि वहां पे जब आएगा प्रकाश तो वो प्रकाश क्या करेगा, बाकी किरणें को वापस ऊपर कर देगी, और जो हल्की होगी जिनका फ्रिक्वेंसी कम होगा जैसे नीला, वो प्रकाश वहां पे एडजस्ट हो जाएगा, तो उस कारण से हमें क्या होता है, वहां का प्रकाश नीला हमें दिखाई देता है। तो यही चीज कह रहा है कि यहाँ से गुजरता है तो वायु के कारण लाल रंग की अपेक्षा नीला रंग को अत्यधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करता है, प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, और वही नीला प्रकाश जो होता है वो आकाश से हमारे नेत्रों तक आता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अब कहता है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कोई प्रकीर्णित न हो पाता, तब आकाश का काला प्रतीक होता। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ वायुमंडल कुछ होता ही नहीं, यहाँ कोई वायु न कण धूल कण कुछ नहीं होता, तब क्या होता, तब ऊपर से प्रकाश नीचे आता ही नहीं, क्यों, क्योंकि धूल कण के माध्यम से ही तो प्रकाश नीचे तक आता है, अब वो चीज होता ही नहीं, वायु के अणु होते ही नहीं तो प्रकाश नीचे आता कैसे, जब नहीं आता तब क्या होता, तब हमें प्रकीर्णित हुआ तब आकाश काला प्रतीक होता, इसलिए अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को प्रकाश काला प्रतीक होता है, तब हमें प्रकाश काला प्रतीक होता क्योंकि वहां अणु है ही नहीं। अब अत्यधिक ऊंचाई पे चले जाइए, जब अत्यधिक ऊंचाई पे चल जाते हैं तो वहां भी धूल कण वायु नहीं होने के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होने के कारण प्रकाश काला प्रतीक होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो अत्यधिक ऊंचाई पे उड़ते हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है, इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन धूल कण नहीं होने के कारण प्रकीर्णन जो है वो लाइट का जो डाइवर्सिटी होती है वो नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या होता है वह नहीं हमें दिखाई देता है, और इसीलिए हम लोग वहां पे जो भी देखते हैं वो ब्लैक कलर का यानी काला काला दिखता है हमें। अब कहता है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग, अब कह रहा है कि सूर्योदय हो या फिर सूर्यास्त हो, यानी कि जब सूरज उगता है या फिर सूरज डूबता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन का आइए आपको एक एग्जाम प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूं मैं, तो इससे मुझे उम्मीद है कि आसानी से आपको समझ में आएगा। अब प्रैक्टिकल कैसे होगा ये चीज आइए देखते हैं। ये हमारा क्षितिज है ठीक, ये ऐसे हुआ। अब क्या होता है कि ये हमारा ये तो क्षितिज वायुमंडल है, इसके अंदर अणु है। अब एक सूर्य यहां होता है क्षितिज के नजदीक होता है, ये हमारे क्षितिज के नजदीक है ठीक, तो यहां से जब प्रकाश आएगी तब ये क्या करेगा, इतना लंबा इस तरह से चलेगा ठीक, इसको थोड़ा और ऊपर बनाना चाहिए, तो ये यहां होगा ठीक, क्षितिज के नजदीक होगा, तब ये यहां इस तरह जाएगा, इतना लंबा इस इतना पोर्शन तक ये क्या कर रहा है, प्रकाश क्रॉस कर रहा है धूल कण से। अब यहाँ पे क्या होता है, सूर्य ठीक सर के ऊपर होता है, तब यहां से ही क्या होती है, ये लाइटें जो होती है ये सीधा यहां आता है और इतना ही पोर्शन को ये करता है, तब इस समय क्या करता है, यही बात यहाँ पे समझाया गया है कि क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परत से होकर गुजरती है। देखिए वायुमंडल में आने से पहले वायुमंडल की एक मोटी परत से, वायु की मोटी परत से ये होकर गुजरती है ठीक, मोटी परत से होकर गुजरती, तथापि सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है तो सूर्य से आने वाला प्रकाश है अपेक्षाकृत कम दूरी चलेगा, जब सूर्य ठीक ऊपर होगा हमारे सर के ऊपर होगा तब अपेक्षाकृत कम दूरी तय करता है ठीक, यहाँ पे दिखाया गया कम दूरी चलेगा। दोपहर के समय श्वेत प्रतीक होता है क्योंकि नीला तथा बैंगनी वर्ण बहुत थोड़ा ही बार प्रकीर्ण हो पाता है। अब कहता है दोपहर के समय इसीलिए हमें सफेद सफेद दिखाई देता है, पूरा उजाला उस समय श्वेत दिखाई देता है, क्योंकि उस समय नीला और बैंगनी कलर जो है बहुत कम परिकीर्णित होती है। उस समय क्या होती है कि कम दूरी तय करने के कारण अत्यधिक जिनका फ्रिक्वेंसी अधिक होता है वो कलर नीचे चले आते हैं, और जिसके कारण सभी कलर मिलके क्या करते हैं, श्वेत रंग का निर्माण करते हैं ठीक। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे कि सुबह दोपहर के समय श्वेत क्यों दिखाई देता है। अब फिर आइए, अब क्षितिज के निकट
नीले तथा कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अधिकांश भाग वाले कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है। अब करा जब क्षितिज के नजदीक होगा तब क्या होगा, तब जिनका फ्रीक्वेंसी कम होगा, तरंग दैर्ध्य कम होगा, वो सभी प्रकाश क्या होंगे, यहाँ पे गुजरेंगे। जिनका फ्रीक्वेंसी अधिक होगा वो यहाँ के कणों के द्वारा टकरा के वापस चले जाएंगे, और जिनका कम होगा ये इतना दूरी तक जो तय कर लेंगे, जिनका फ्रीक्वेंसी कम होगा वो यहाँ वायुमंडल में आएंगे। तो वायुमंडल में जो आएंगे वो हमारे कितने, जिनका फ्रीक्वेंसी कम है, जैसे नीला, ये सब कलर का नीला, बैगनी, इसका फ्रीक्वेंसी कम है। तो ये फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण क्या होगा, जब हमारे वायुमंडल में आएगा तो ये हमें, इसी के कारण ये रक्ताप जैसा दिखता है, यानी कि हल्का लाल जैसा लाइट देता है। तो यही कह रहा है प्रकीर्णन द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्ध्य का होता है। इसमें सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताप प्रतीक होता है, और इस समय जो लाइट होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में आता है, कौन सा, जिनका फ्रीक्वेंसी कम होता है। और ये इसी कारण से हमें क्या होता है, लाइट क्या होता है, हमें रेड दिखता है। और इस समय भी जब डूबेगा तो क्षितिज के नजदीक होगा, तो यहाँ से भी ये लाइट इसी तरह आएगा, तो ये भी इतना पोर्शन को कर रहा है। तो ये बात मुझे उम्मीद है कि आप लोग आसानी समझ गए होंगे कि अब जो है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूरज जो है वो लाल क्यों दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताएं। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, अपने सभी दोस्तों को बताएं कि आंसर स्टडी पे क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गई है, आप सभी क्लास कीजिए रेगुलर, हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।